और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां के सिद्धार्थनगर जिले की एसओजी और मिश्रौलिया थाने की पुलिस ने बहेलिया गैंग के 6 शातिर चोरों और उनके सरगना को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इनके पास से चोरी के सोने चांदी के आभूषण, नकदी और देसी तमंचा, 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पकड़ में आए हुए ये सभी 6 अपराधी मैनपुरी जनपद के निवासी हैं और इन अपराधियों के ऊपर सिद्धार्थनगर जिले में विभिन्न थानों में करीब 8 आपराधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। एसओजी और मिश्रौलिया पुलिस की इस कामयाबी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पुलिस अधीक्षक यशवीर सिंह ने बताया कि पकड़े हुए ये सभी अभियुक्त बहेलिया गैंग के सदस्य हैं। सिद्धार्थनगर जिले की पुलिस ने चोरों के साथ इनके गैंग लीडर अनिल बहेलिया को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इनके सरगना अनिल बहेलिया ने बताया कि ये लोग अलग अलग जनपदों में जाकर किराए का मकान लेते हैं और वहीं से इनके सदस्य बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर जाकर यात्रा करने वाली ऐसी महिलाओं जिनके पास सामान या फिर उनके शरीर में आभूषण होते थे उन्हें चिन्हित कर लेते थे। बस या ट्रेन में उनके बगल में बैठ कर मौका देखकर उनके जेवर और सामान पर हाथ साफ कर देते हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पूछताछ में इनके लीडर अनिल बहेलिया ने यह भी बताया कि इस गैंग के सारे सदस्य पॉकेट मारने में एक्सपर्ट हैं। ये हमेशा अपनी उंगलियों में क्विक फिक्स से छोटे ब्लड चिपका कर चलते हैं और मौका देखते ही लोगों की जेबों और बैगों पर सफाई से अपना काम कर जाते हैं। पुलिस कप्तान ने बताया कि पकड़े गए अभियुक्त अनिल बहेलिया, हरिशंकर बहेलिया, अनिल कुमार, सुमित बहेलिया, राजू सिंह, दीपू सिंह मैनपुरी के निवासी हैं। पुलिस ने इनके पास से चोरी के 3,500 रुपए नगद, सोने चांदी के कई आभूषण, 2 चाकू, भारी मात्रा में फेविक्विक, डुप्लीकेट चाबी, मोबाइल और देसी तमंचा के साथ जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। पुलिस कप्तान ने बताया कि चोरों को पकड़ने वाली पुलिस टीम को उनकी तरफ से 25,000 रुपए का पुरस्कार भी दिया गया है। विराट 24 न्यूज के लिए सिद्धार्थनगर से संवाददाता नियामतुल्ला की रिपोर्ट। देखिए, आज जिला सिद्धार्थनगर में थाना मिश्रौलिया में मधवापुर के पास में मिश्रौलिया की पुलिस, एसओजी की टीम और सर्विलांस की टीम के द्वारा एक गैंग के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। ये लोग मैनपुरी के फरुखाबाद के रहने वाले हैं, बहेलिया जाति को बिलोंग करते हैं और ये लोग बसों में और अन्य जो वाहन हैं इस प्रकार के जिसमें सवारी चलती हैं उनमें बैग से चोरी करते हैं, घरों में घुस के चोरी करते हैं। इस तरीके के गैंग के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इसमें हमारे जनपद में थाना सिद्धार्थनगर में, थाना चिलिया में, थाना डेबरवा में इस तरीके की घटनाएं पूर्व में हुई हैं, चोरी की और बसों में चोरी की, बैग चोरी की, उनका अनावरण किया गया है और उसमें जो चोरी हुई संपत्ति थी, जो सोने की चांदी की संपत्ति और इत्यादि संपत्ति थी वो इनके पास से बरामद हुई है। इसके अलावा ये लोग जो ब्लेड लगाते थे उंगली में, फेविक्विक से ब्लेड को चिपका लेते थे उंगली में और उससे बैग को काटते थे, वो ब्लेड भी बरामद हुए हैं। जिन बैग को ये नहीं काट पाते थे उनके लिए इन लोगों ने मास्टर चाबी बना रखी थी, मास्टर चाबी से उन बैगों का लॉक खोल के चोरी करते थे, ऐसी मास्टर की भी इनके पास से बरामद हुई है। बहुत ही शातिर गैंग है और अगल बगल में भी इनके द्वारा बताया जा रहा है कि घटनाएं अगल बगल के जिलों में भी बसों के अंदर, गाड़ियों के अंदर इन्होंने की हैं। इनका पूर्व का आपराधिक इतिहास भी पुलिस के द्वारा खंगाला जा रहा है। ये भी इनके द्वारा बताया गया है कि इनके गाँव के काफ़ी लोग इस तरीके की घटनाएं करते हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में घूम के, उत्तर प्रदेश से बाहर भी घूम के। महत्वपूर्ण गैंग है, इसे गैंग को जनपद में रजिस्टर्ड कराया जाएगा और मुख्यालय को भी इसकी जो क्रियाकलाप है उसके बारे में लिखा जाएगा ताकि एक समुचित रूप से इनके विरुद्ध कार्रवाई की जा सके। इनके विरुद्ध हमारे जनपद में ही 3 अभियोग जो हैं, इन लोगों ने जो घटनाएँ की थी उनका अनावरण हुआ है। अन्य घटनाओं का भी देखा जा रहा है कि और क्या क्या घटनाएं इन्होंने की है। इन पर गैंगस्टर की कार्रवाई भी हम 15 दिन के अंदर करेंगे। टीम को इनाम दिया गया है, मेरी तरफ से 25,000 का इनाम दिया गया है और एडीजी महोदय से रिक्वेस्ट किया गया है कि इसमें 50,000 का इनाम कर दें।